सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमां अस्मत् श्री गुरु पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरां। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। आदि शंकराचार्य के बारे में हम बहुत सुंदर और रसप्रद बहुत रोचक कहानियां सुन रहे हैं। महर्षि वेदव्यास और ऋषि जैमिनी जानते थे कि भले मंडन मिश्र नहीं जानते हो कि उनकी पत्नी सरस्वती का पुनर्जन्म था, इसीलिए वो दोनों प्रस्ताव रखते हैं कि बीच में न्यायाधीश के रूप में उनको रखा जाए। उनकी पत्नी का नाम उभय भारती था, तो महर्षि वेदव्यास कहते हैं कि उभय भारती को हम न्यायाधीश के रूप में दोनों के बीच में कहते हैं ना, वो रेफरी के जैसा उनको रखा जाए, ये प्रस्ताव देते हैं। अब शंकराचार्य को तो ये बात पहले से मंजूर थी, क्योंकि हमने पहले कहानी में सुना कि कुमारिल भट्ट ने उनको कहकर भेजा था कि जो न्यायाधीश के रूप में बिल्कुल मंडन मिश्र की पत्नी को ही रखना है, तो ये बात शंकराचार्य को मंजूर थी। मंडन मिश्र को भी ये बात मंजूर थी। दूसरे दिन नित्य कर्म सब अपना दैनिक कार्य समाप्त करके शंकराचार्य अपने शिष्यों के साथ पहुंचते हैं मंडन मिश्र के घर शास्त्रार्थ के लिए, और बहुत सारे ज्ञानी गुणी सब इकट्ठा होते हैं, क्योंकि शास्त्रार्थ होने वाला है। सबने सुना कि एक बहुत ज्ञानी सन्यासी आया है मंडन मिश्र के साथ शास्त्रार्थ करने के लिए, तो बहुत सारे दूर दूर से ज्ञानी गुणी सब वहां पर इकट्ठा होते हैं और कहते हैं कि न्यायाधीश के रूप में उभय भारती मंडन मिश्र की पत्नी वहां पर रहती है, और उनकी पत्नी ने दो फूलों की माला तैयार की थी, और वो दो माला दोनों के गले में डाल देते हैं, क्योंकि तब उस समय पर कहा जाता है कि ये नापने का एक तरीका था। अगर माला, क्योंकि फूल इतने फ्रेश रहते हैं, पुष्प इतने फ्रेश रहते हैं कि व्यक्ति के शरीर में अगर कोई भी इमोशनल चेंजेस होता है, भावनात्मक परिवर्तन होता है, उसके साथ साथ सांस में भी परिवर्तन होता है। अगर ऐसा कोई भी चेंजेस आता है शरीर में, उसके तापमान में, तो वो फूल मुरझा जाते हैं, मुरझाना शुरू हो जाते हैं। इसका मतलब है कि अगर कोई भी भाव में परिवर्तन आया, इसका मतलब है वो व्यक्ति का हारना शुरू हो जाता है। तो इसीलिए दोनों माला दोनों के गले में डाली जाती है। कितना सुंदर, ये देखिए, जो भी हमारे शास्त्र पुराणों में लिखा हुआ है, हर एक चीज का बहुत ही उसके पीछे का एक गूढ़ महात्म्य रहता है और बहुत ही ज्यादा मतलब रहता है। शास्त्रार्थ बहुत लंबे चलते हैं, तो उसमें अगर किसी को क्रोध आया, किसी को कोई दुख हुआ या ईर्ष्या हुई, तो ये सब भाव से कहते हैं शरीर का तापमान बदलता है और सांस की गति बदलती है। इसके माला भी, जो फूल की माला है वो मुरझा जाती है और वो जो व्यक्ति है वो हारा हुआ माना जाता है। और उभय भारती को तो सबके लिए खाना भी बनाना होता था, सबके लिए, क्योंकि इतने सारे लोग भी आए थे शास्त्रार्थ के लिए, भोजन की व्यवस्था भी करनी थी, तो इसीलिए वो दोनों माला गले में डालकर वो बाकी अपना काम करते रहते थे और यहाँ पर शास्त्रार्थ चलता रहता था। अब ये शास्त्रार्थ शुरू हुआ और 5-6 दिन तक चला। 5-6 दिन रोज उभय भारती अपने पति को खाना खिलाती, अपने पति को भोजन के लिए बुलाती और साथ में शंकराचार्य को भिक्षा भी देती, भोजन भी देती। तो ये सब चलता रहा 5 दिन के लिए। 5-6 दिन में ना ही किसी की उत्तेजना बढ़ी, ना ही कोई क्रोधित हुए, क्योंकि इतने सारे दिनों के बाद भी, 5-6 दिनों के बाद भी
वो जो माला थी पुष्प की ऐसी ही रही थी। तो कोई उत्तेजना या दुश्मनी का भाव, क्योंकि वाद विवाद कितना न्यूट्रल होता होगा, आप सोचिए, कोई द्वेष भाव नहीं, कोई दुश्मनी का भाव नहीं, एकदम प्योर शास्त्रार्थ का भाव से शास्त्रार्थ चलता था। 5-6 दिन के बाद जब शास्त्रार्थ बहुत लंबा चला, तब क्योंकि शंकराचार्य तो हरेक जो भी मंडन मिश्र कहते थे उसका उत्तर उनके पास रहता था, तब शंकराचार्य के सामने मंडन मिश्र को लगता है कि उनके ज्ञान का पूरा हमला अब कर देना पड़ेगा। तब जब उन्होंने सारा ज्ञान, जो भी उनका जो भी समझ थी, वो सारा जब शंकराचार्य के सामने प्रस्तुत करते हैं, तब शंकराचार्य हरेक का एकदम शांति से, वो तर्क से हरेक सिद्धांत को सिद्ध कर देते थे। और ऐसे करते करते आखिर में शंकराचार्य की विजय होती है, शास्त्रार्थ में शंकराचार्य जीत जाते हैं, और आखिर में मंडन मिश्र की जो माला थी वो मुरझाने लगती है और उभय भारती शंकराचार्य को विजयी घोषित करती है। क्योंकि मंडन मिश्र ने भी द्वैत सिद्धांत जो है उसके बारे में हरेक तर्क, जो जो तर्क उन्होंने अभी तक सारे ज्ञानी गुणी जितने भी तर्क थे वो सारे तर्क उन्होंने लगा दिए थे, पर द्वैत वेदांत, अद्वैत वेदांत के सामने, यानी शंकराचार्य का जो तर्क था उसके सामने वो टिक नहीं पाए और वो शास्त्रार्थ हार गए और शंकराचार्य की जीत हुई। और शंकराचार्य का भाव वैसा ही था और मंडन मिश्र का भाव बदला और फूल मुरझा गए। तब कहते हैं जब भिक्षा देने का समय आया, तब उभय भारती ने दोनों को भिक्षा दी, मंडन मिश्र को भी भिक्षा दी और शंकराचार्य को भी भिक्षा दी। यानी इसका मतलब है कि उभय भारती ने अपने पति को सन्यासी मान लिया था, क्योंकि जैसे पहले ही शास्त्रार्थ में शर्त रखी गई थी कि जो भी हारेगा वो दूसरे का शिष्य बन जाएगा। शंकराचार्य की जीत हुई, शंकराचार्य सन्यासी थे, तो मंडन मिश्र को अपना जो गृहस्थ जीवन था वो छोड़कर सन्यास लेना था, तो उभय भारती ने उनको सन्यासी मान ही लिया और उनको भिक्षा दी। अब देखिए कितनी विनम्रता है, जब मंडन मिश्र शास्त्रार्थ हार गए और शंकराचार्य की जीत हुई, तब वो सबके सामने, सारे ज्ञानी गुणी जो भी बैठे थे उन सबके सामने शंकराचार्य को पूछते हैं कि मैं द्वैत वेदांत के जो भी तर्क थे, जो भी मेरी समझ थी, वो सारा मैंने प्रस्तुत किया, पर फिर भी मेरी जो समझ थी वो अपूर्ण थी और उसके कारण आपकी जीत हुई। अद्वैत वेदांत जो आपकी विचारधारा है वो प्रस्थापित हुई और आपने उसको सिद्ध किया। पर मैं आपको एक सवाल मेरा जो है वो मैं पूछना चाहता हूँ कि शायद मेरी समझ कम हो सकती है या मेरी समझ में कोई फर्क हो सकता है, पर जो ऋषि जैमिनी ने लिखा हुआ है, क्योंकि द्वैत वेदांत का जो पूरा सिद्धांत है वो ऋषि जैमिनी ने प्रस्थापित किया है, और वो जो ऋषि जैमिनी ने प्रस्थापित किया है वो विचारधारा भी क्या गलत है क्या? तो इसका मतलब है कि ऋषि जैमिनी भी गलत हुए? अगर आपका अद्वैत वेदांत का सिद्धांत अगर सत्य है तो? तब मंडन मिश्र कहते हैं कि मेरी ये मन की शंका का आप समाधान करिए, क्योंकि सारे तर्क, मेरे जो सारे तर्क थे वो आपके सामने अपर्याप्त रहे। तो इसका मतलब है कि ऋषि जैमिनी ने जो द्वैत सिद्धांत लिखा है वो द्वैत सिद्धांत भी अपूर्ण है क्या, वो भी अपर्याप्त है? इसका मुझे आप समाधान दीजिए। ऋषि जैमिनी जो महर्षि वेदव्यास के शिष्य हैं, उनकी कृतियां कैसे अपर्याप्त हो सकती है, उनकी कृतियों में कैसे त्रुटि हो सकती है?
तब कहते हैं शंकराचार्य बहुत ही सुंदर मंडन मिश्र को समझाते हैं कि देखो जो भी कृतियां लिखी गई है, जो भी जैमिनी ने लिखा हुआ है उसमें कोई भी त्रुटि नहीं है, पर उसको जिस हिसाब से समझा गया है उसमें त्रुटियां हैं, वो अपूर्ण है, क्योंकि मनुष्य ने अपने हिसाब से, अपनी समझ के हिसाब से उस सूत्रों को समझा है। तो कृतियों में त्रुटि नहीं है, पर उसका भावार्थ, उसको जिस हिसाब से समझा है उसमें त्रुटियां है। जैमिनी द्वारा लिखे गए सूत्रों का सही अर्थ नहीं समझ पाए, बाकी जैमिनी ने जो लिखा है वो संपूर्ण है। कहते हैं शंकराचार्य ने बहुत सुंदर समझाया कि लोग अपने दिनचर्या में, जो भी सांसारिक लोग हैं वो अपनी दिनचर्या में ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म तत्व को ये सब पाने में या ये सब के लिए समय नहीं निकाल सकते थे, इसीलिए पूर्व तैयारी के रूप में ये सारा कर्म कांड, ये सारे जो विधि विधान ये सब रचा गया, वो उसके लिए रचा गया। मनुष्य अपनी दिनचर्या में ब्रह्म ज्ञान, ये ब्रह्म तत्व को समझना कठिन हो जाता था, इसीलिए उन्होंने पूर्व तैयारी के रूप में जैमिनी सूत्र की रचना की। जैमिनी सूत्र का आखिरी लक्ष्य, जो उसका लक्ष्य है, वो मोक्ष प्राप्ति ही था, इसीलिए जैमिनी सूत्र का भी लक्ष्य मोक्ष प्राप्ति है। पर जैमिनी सूत्र में यज्ञ, कर्म कांड इसीलिए रखा गया है क्योंकि ये सारा जो यज्ञ है, कर्म कांड है, वो व्यक्ति को तैयार करता है, और इसीलिए बहुत सारे दृष्टांत देकर कहते हैं शंकराचार्य ने मंडन मिश्र की ये जो मन की शंका थी उसका समाधान किया। और भी बहुत सारे जैमिनी सूत्र को समझाते हैं शंकराचार्य, और संपूर्ण रूप से मंडन मिश्र की जो शंका थी उसको दूर करते हैं, और मंडन मिश्र बहुत प्रसन्न होते हैं, और तब मंडन मिश्र ऋषि जैमिनी को वहीं से प्रार्थना करते हैं कि मेरी समझ सही हो, ऐसा मुझे आशीर्वाद दीजिए। तब कहते हैं ऋषि जैमिनी करुणावश वहां पर प्रकट होते हैं और कहते हैं कि मेरे गुरु वेद व्यास ने जो ब्रह्म सूत्र पर लिखा है, मेरे गुरु ने जो लिखा है वो गलत कैसे हो सकता है, और उन्होंने जो ब्रह्म सूत्र पर लिखा और जो उन्होंने मुझे समझाया है वो भी लिखा हुआ गलत कैसे हो सकता है। मैं उनका शिष्य, वेद व्यास के वो शिष्य थे जैमिनी, तो कहते हैं जैमिनी कि मैं उनका शिष्य होकर उनके विरोध में एक भी वाक्य मैं कैसे लिख सकता हूँ, क्योंकि ब्रह्म सूत्र जो है वो अद्वैत वेदांत के ऊपर बहुत सारा उसमें चर्चा है, और जैमिनी ने जो लिखा वो द्वैत वेदांत के ऊपर लिखा। तो देखिए, हमने पहले ही फर्स्ट वीडियो में बात की थी इसके बारे में कि द्वैत वेदांत और अद्वैत वेदांत रास्ता एक ही है, अलग अलग पड़ाव है। द्वैत वेदांत आप कहिए या विशिष्ट द्वैत कहिए, पर अलग अलग पड़ाव है, बाकी रास्ता जो है, मंजिल जो है, वो अद्वैत वेदांत जिसको शंकराचार्य ने प्रस्थापित किया। तो सबके सामने जैमिनी कहते हैं कि जो भी शंकराचार्य ने कहा वो सब सत्य है, कोई किसी के विरोध में नहीं है, और मैं तो मेरे गुरु के विरोध में कैसे कुछ लिख ही सकता हूँ, और मेरे गुरु ने ब्रह्म सूत्र लिखा है तो उसमें तो त्रुटियां कहाँ से हो सकती है। ये सुनकर मंडन मिश्र ऋषि जैमिनी को प्रणाम करते हैं, आदि शंकराचार्य को प्रणाम करते थे, और वहां पर जो सारे विद्वान बैठे थे, जो पूर्व मीमांसा, जो भी कर्मकांड यज्ञ का जो रास्ता ही सत्य है ऐसे मानने वाले जो लोग थे, उनके सामने मंडन मिश्र कहते हैं कि शंकराचार्य का रास्ता ही सत्य है, और संन्यास लेने की घोषणा करते वहां पर सबके सामने, और मंडन मिश्र शंकराचार्य के
शिष्य बनने के लिए कहते हैं कि मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ, और शंकराचार्य उनको सुरेश्वराचार्य नाम देते हैं। सुरेश्वराचार्य बाद में वार्तिककार उनको अपने कहते हैं, जो दूसरे शिष्य शंकराचार्य के, क्योंकि उन्होंने ब्रह्म सूत्र के ऊपर जो भी टीका टिप्पणी शंकराचार्य ने लिखी उसके ऊपर सारी वार्तिका सुरेश्वराचार्य ने लिखी, यानी टिप्पणियां यानी कॉमेंटरीज जो भी शंकराचार्य ने लिखी थी उसके ऊपर सारी कॉमेंटरी उन्होंने वार्तिका लिखी, इसीलिए उनका नाम वार्तिककारा, बाद में हम वार्तिककारा के रूप में उनको जानते हैं। मुख्य रूप से शंकराचार्य ने जो कुछ भी लिखा उसके ऊपर उसका जो भाव है या शंकराचार्य क्या कहना चाहते हैं वो पूरी विवेचना या पूरी कॉमेंटरी लिखने का काम वार्तिककारा ने किया, यानी ये जो मंडन मिश्र जिसका नाम शिष्य होने के बाद शंकराचार्य ने सुरेश्वराचार्य लिखा रखा, और सुरेश्वराचार्य ने जो सारी वार्तिका लिखी इसके लिए उनको हम वार्तिककार के रूप में जानते हैं। जो गुरु परंपरा के श्लोक हैं उसमें भी वार्तिककार नाम आता है, वार्तिककार यानी सुरेश्वराचार्य। और ओरिजिनल जब द्वैत सिद्धांत में वो मानते थे तब उनका नाम था मंडन मिश्र। अब मंडन मिश्र की कहानी यहीं पर नहीं खत्म होती है, और भी आगे शास्त्रार्थ चलता है उनकी पत्नी के साथ। इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। आप जरूर सुनते रहिए, शंकराचार्य की एकदम रसप्रद बहुत ही सुंदर कहानी है। एक एक घटनाएं बहुत शास्त्र में जैसे वर्णन किया हुआ है, हर एक वर्णन अगर आप सुने तो भी बहुत रोचक रहता है। और जिसने हिंदू सनातन धर्म को, आप सोचिए इतने सालों से उनका जो प्रस्थापित किया हुआ धर्म है वो आज भी ऐसे ही चल रहा है। और मैं बार बार एक ही बात कहती हूँ कि अगर हिंदू सनातन धर्म को समझना है तो शंकराचार्य की जीवनी अगर हम समझ ले तो बाकी सब कुछ समझ में आ जाता है। तो आप जरूर मेरी चैनल को सब्सक्राइब भी करिए और लाइक करिए, वीडियो को शेयर जरूर करिए हमारे फैमिली फ्रेंड्स सबके साथ, ताकि शंकराचार्य की कहानी, हम नाम सुनते आए हैं शंकराचार्य का के बारे में, पर शायद ही इतने इतने डिटेल में, इतने एक एक प्रसंग के साथ शायद ही हम उनकी जीवनी जानते होंगे। तो आगे बात करते हैं कैसे उनकी पत्नी के साथ उनका शास्त्रार्थ होता है शंकराचार्य का। मिलते हैं अगले वीडियो में।